तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 2022 सेशन के लिए जनवरी जो 2022 सेशन होता है उसके लिए जो ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसका डेट जो शुरू हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या है, तो फुल प्रोसीड्योर जो जनवरी 2022 सेशन है उसके लिए फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग हो गया है, तो इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए बिना स्किप के। और जो जुलाई सेशन था वो जो है ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जुलाई सेशन के एडमिशन, तो जनवरी सेशन में अभी आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आना है जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पे आने के बाद आपको रजिस्टर ऑनलाइन में जाना है, फिर यहाँ पे फ्रेश एडमिशन में जाना है। तो जैसे फ्रेश एडमिशन में क्लिक करेंगे आपका सामने फिर से नया वाला पेज ऐसा कुछ आ जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2022 सेशन। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जिसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का तो 31 जनवरी 2022 तक आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, जाने के बाद आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन सा जो है ट्रेड में आप लोग एडमिशन हो सकती है, जिसके लिए आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो जैसे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा एक विंडो आ जाएगा जहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, कौन सा कोर्स आप लोग जो है कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप लोग जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक, तो ये कोर्स के बारे में डिटेल्स देखने के लिए आपका रीड मोड में सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे रीड मोड में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका कुछ इंटरफेस ऐसा आ जाएगा, कोर्स ड्यूरेशन सारा कुछ डिटेल्स कोर्स के बारे में आप लोग यहाँ पे दिख जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है वो भी दिख जाएगा, कोर्स फी कितना है। तो टोटल आपका कोर्स फी यहाँ पे है, और टोटल कोर्स फी आपका यहाँ पे 3,800 रुपया आपको जो है पर ईयर आपको देना है। रजिस्ट्रेशन फी आपका 200, यानी कि फॉर्म फिलअप जब करेंगे उसके लिए 200, और फर्स्ट ईयर में आपको देना है 3,800 रुपया। तो पर ईयर के हिसाब से आपको 3,800 देना है, टोटल 3 ईयर का कोर्स है। तो ऐसा करके जो है आप लोग जान सकते हैं कोर्स के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आप लोग जो स्टडी सेंटर कहाँ पे है वो भी जो है आराम से देख सकते हैं। तो फिर से मैं बैक आ जाता हूँ मेन पेज में, तो यहाँ पे और भी बहुत सारा जो कोर्स है वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे क्वेश्चन करते दादा कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो मैं इतना तो नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कोर्स होता है जैसे BA BSc BCOM या फिर MA SC MCOM में। तो आपको देख लेना है जो मैं तरीका इस वीडियो में बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आप लोगों को यहाँ पे पूरा जानकारी कोर्स के माध्यम से कोर्स के बारे में लेना है, और फिर स्टडी सेंटर कहाँ पे है वो भी आपको जो है लेना है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे नीचे और भी जाएंगे तो और भी आपको कोर्स दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका कम से कम 100-150 से ज़्यादा आपको कोर्स दिख जाएगा जो कि डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, BA BSc BCOM या फिर आपका मास्टर डिग्री कोर्स है, तो बहुत सारा कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा। इसलिए मुझे पार्टिकुलर कोई कोर्स के बारे में बोलना मुझे संभव नहीं है मेरे से, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा जानकारी पाने के लिए इसमें आके आप लोगों को जो है दोस्तों देख लेना है। तो नीचे जाने के बाद आप PG कोर्स दे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, तो इसको भी दिख जाएगा। तो इसके देखने के लिए रीड मोड में फिर से आपको जाना है, जाने के बाद इसके सारा डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फ़ी और आपका जो एडमिशन फ़ी कितना है। तो एडमिशन फ़ी 13,200 है फुल प्रोग्राम कोर्स का 2 साल का, पर ईयर आपको देना है 6,600 और आपका 200 रुपीज़ एडिशनल देना है जो कि एप्लीकेशन फ़ी चार्ज होता है। तो ऐसे करके सब पूरा जानकारी आप लोग जो है दोस्तों ऐसे ले सकते हैं। तो अभी भी जो भी कैंडिडेट जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं हो पाए, लास्ट डेट जो ओवर हो गया, तो ये जनवरी सेशन 2022 में जो है अपना फॉर्म फिलअप करके आप लोग जो एडमिशन ले सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से सभी कैंडिडेट के लिए एक अपडेट है, जो भी इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं ऑल इंडिया बेसिस जो ये अप्लाई है, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी फिर इग्नू से आप लोग जो है अपना BA BSc BCOM या फिर होटल मैनेजमेंट कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो तो आप लोग जो है इससे कर सकते हैं। तो आपका नियर जो भी सेंटर है आप लोग देख लेना है और उसके बाद आपको जो है अप्लाई कर लेना है। तो ये वीडियो में अपडेट था, कोई भी इंक्वायरी हो कुछ भी सवाल है मन में तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं सबको कमेंट का जो है रिप्लाई कर दूंगा। और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स का वीडियो आपको डेली बेसिस मिल जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल यूटी गाइड। जय हिंद दोस्तों।